सबसे पहले मैं आपको डोरी पलटना सिखाऊंगा इस ओरेब कपड़े से। ये ओरेब कपड़ा है क्योंकि पाइपिंग हमें सॉरी डोरी हमेशा ओरेब कपड़े से ही पलटी जाती है, ना कि सीधे से और ना आड़े से। तो इसको हमेशा ओरेब में लें और इसकी डोरी पलटें। तो ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो चुका है, देखो ओरेब कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए बढ़िया डोरी पलटी जाएगी इसकी। ये हमने ओरेब ले लिया था, ये कटिंग कर ली थी हमने। अब हम इस पर बिल्कुल इतना सा, जो आधा सूत, एक सूत भी नहीं, आधे सूत पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको पलटेंगे। चलिए मैं करता हूँ शुरू। ध्यान रहे, इसको डबल करके हमने आधा सूत पे एक सिलाई लगानी है, थोड़ा सा इसको खींच के। थोड़ा क्या, इसको काफ़ी खींचना होगा। अगर हमने इसको नहीं खींचा और बाद में जब हम इसको पलटेंगे तो सिलाई टूट जाएगी, तो हमने इसको खींच के सिलाई लगानी है आधा सूत पर। लास्ट में जब आप इसको सिलाई को ले आएंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसका साइज ये बढ़ा देना है, तो हमें ये पलटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको सिलाई चौड़ी कर दी है। तो चलिए अब हम इसको पलटते हैं। तो हमने एक सुई में ये धागा डाल लेना है, जो हमारी सिलाई मशीन की सुई होती है, कई बार वो ख़राब हो जाती है, किसी यूज़ की नहीं होती। तो हमने ये चौरा धागा करके इसको डाल के ये आठ धागे बना लेने हैं ऐसे, और नीचे गांठ लगानी लेनी है, ठीक है। और इससे हमने ये डोरी पलटनी है। तो हमने इस साइड में इसको इस तरह से पिरो लेना है और ऐसे इसको निकाल लेना है, और फिर हम इसको उल्टी साइड से इसके अंदर घुसाएंगे ऐसे, यहां से थोड़ा सा। अब इसको पिरोते रहेंगे इसको इस तरह से। ये हमने इसमें पिरो लिया है और दूसरी तरफ से इसको निकाल दिया है। अब हम इसको किसी चीज़ में बांध लेंगे, जैसे मशीन में हमने यहाँ पे इसको अटका दिया है। अब हम इसको धीरे धीरे इधर से इसको घुसाना शुरू करेंगे, ये इस तरह से। आप इसको थोड़ा ध्यान से, शुरुआत में ये आराम से इस तरह से पिरोना पड़ता है, और धागे पे जोड़ना पड़े कि नहीं तो धागा अंदर टूट जाता है, फिर दोबारा करना पड़ेगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो इसको हमने धीरे धीरे, ये देखिए अब आराम से ये जाने लगा है। ये जाने लगा है, आप देख सकते हैं। ज्यादा कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा ना होने दें, नहीं तो ये यहाँ पे गुच्छा सा बन जाता है और फिर ये अंदर नहीं जाता इसमें, क्योंकि ये पूरा कपड़ा हमने इसके अंदर ले लेना है। ये देखो कितने आसानी से ये अंदर पिसल पिसल के जा रहा है, धागे पे जोर ना पड़े, नहीं तो धागा टूट भी सकता है।
तो ध्यान ये भी रहे कि धागा मजबूत से मजबूत डालें, कम से कम 8 धागे होने चाहिए। चौरा करके 8वां धागा हो जाता है इसका। ये देखो, आ गया ना दूसरी तरफ, ये आ गया इस पे। अब हमें कोई डर नहीं है, धागे टूटने का भी कोई डर नहीं है। अब आराम से हम इसको सरका सरका के देखो कितने आसानी से ये जा रहा है अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप 2-4 बार करेंगे तो आपको ये सही से समझ में आ जाएगा और करने लगोगे आप। पहल पहल में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मगर आपको प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार बनाएंगे इसको, अगर यहाँ इसका गुच्छा बन जाए तो वापस इसको ऐसे खींच के दोबारा से इसको ले लेना है। ये कई बार यहाँ पे ये फंस जाता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पूरा कपड़ा इसके अंदर चला गया है ना, मजे की बात, कितनी आसानी से, और एक कितनी प्यारी डोरी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इस डोरी का यूज़ पीछे गले में लगाने के काम भी आ सकता है, और इसमें गले में लगा के डोरी, सॉरी, लटकन भी लगेंगी तो लटकन में यूज़ होता है, या फिर जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो इस तरह से करके ये लुपियाँ बना सकते हैं। जगह जगह पे लुपियाँ लगा के, फिर इसके अंदर बटन्स लगा के, ये वहाँ पे यूज होगा। तो ये कहीं कई जगह यूज होती है, तो ये बनानी आनी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, डोरी पलटनी और बनानी तो आपने सीख लिए। अब चलते हैं।